बरेली के औला रोड पर पुलिस ने सड़क पर खुलेआम चल रहे अवैध तेल कारोबार को पुलिस ने पकड़ लिया है। मौके से पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही दो टैंकर, तीन कैन में तेल का एक बुलेट बाइक जिस पर क्षेत्रीय सांसद का नाम लिखा हुआ है बरामद की गई है। अन्य करीब आधा दर्जन अज्ञात तेल तस्कर फरार होने में कामयाब रहे। भमौरा पुलिस को मुखबिर की सूचना के अनुसार औला मार्ग पर कुंडा पर तेल टैंकरों से अवैध तरीके से तेल की खरीद फरोख्त हो रही थी। सूचना पाकर तत्काल सक्रिय हुई पुलिस ने दो टैंकर नंबर यूपी 25CT1245 इंडियन ऑयल कंपनी का जो तेल निकालने की तैयारी में था, दूसरा टैंकर हिंदुस्तान पेट्रोलियम UP13M9929 को रंगे हाथों तेल निकालते हुए पकड़ लिया। हालांकि तस्कर भागने में सफल रहे। वहीं पुलिस ने टैंकर ड्राइवर विषम यादव पुत्र बेनीराम निवासी रिठोरा और दूसरे टैंकर के साथ चुन्ना लाल पुत्र अनोखे लाल निवासी नेकपुर तेल निकालते गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही के अन्य तस्कर साथी भागने में सफल रहे। पुलिस ने गोदाम के बारे में जानकारी की तो मालूम हुआ कि गांव कुंडा निवासी यूनिस के यहां माल रखा जाता है। हालांकि यूनिस ने किसी प्रकार की जानकारी से इनकार किया। पुलिस ने मौके से बरामद दोनों टैंकरों के साथ क्षेत्रीय सांसद के नाम लिखी हुई एक मोटरसाइकिल के अलावा तीन कैन में निकला हुआ तेल बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस टैंकरों में बैठे 7 यात्रियों को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।